हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन बिल्डिंग मालिकों के लिए, उन मकान मालिकों के लिए जिन्होंने अपनी जगह, जिन्होंने अपना स्पेस किराए पे दिया हुआ है जिम के लिए, फिटनेस स्टूडियो के लिए, डांस स्टूडियो के लिए, योगा क्लासेस के लिए, या फिर वो तमाम बिजनेस जो फ़िलहाल 5 महीने से बंद हैं। सो एक छोटी सी अपील है, वो भी हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ सर, मैम, जो भी है आपके सामने है, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपकी बिल्डिंगों के अंदर जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे थे वो पिछले 5 महीनों से बंद हैं और उन लोगों का कोई दूसरा अर्निंग सोर्स नहीं है। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जेब में से निकाल के उन्हें कुछ दीजिए, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंसानियत आप लोग रखिए। और देखा है मैंने, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा थ्रेड कॉल दे रहे हैं, कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं जो बिल्डिंगों के मालिक हैं। सो यार, एक छोटी सी चीज़ अपने दिमाग में रखिए, जो बेचारे वो बिज़नेस के जो मालिक हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं पिछले 5 महीनों से, और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा किया जाता है, उन्हें बार बार परेशान किया जाता है कि आप किराया दो या फिर आप बिल्डिंग खाली कर दो, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो अगर बाय चांस आपकी इन चीज़ों से उसकी मानसिक स्थिति अगर और ज़्यादा ख़राब होती है और वो अगर ऐसा कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, सो क्या आप अपने आप को उस गलती के लिए माफ़ कर पाएंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेशक आप उस जगह के, उस स्पेस के मालिक होंगे, बट जो सच्चा मालिक है वो ऊपर है और वो सब देख रहा है कि कौन किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, सबके लिए है। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए भी है, क्योंकि आपका जो अर्निंग सोर्स है, जो बिल्डिंगों के मालिक हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बट ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड हैं जिनका कोई अलग अर्निंग सोर्स भी है। सो आप तो प्लीज़ इंसानियत रखें थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे मकान मालिक ने हमें धमकी दी है कि बिल्डिंग खाली कर दीजिए, कोई पुलिस की धमकी दे रहा है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। सो अभी जो घड़ी है वो घड़ी है एक दूसरे की हेल्प करने की। आप अपनी जेब में से बेशक कुछ मत दीजिए, बट थोड़ी रियायत आप दे सकते हैं। और मेरी माने, मुझे जैसा लगता है कि आप उनका जो किराया है बिल्कुल माफ़ कर दें अगर आप सबल हैं तो, और अगर आपका खुद का जो अर्निंग सोर्स है उन्हीं बिल्डिंगों से है, सो आप अपना जो किराया है उसे आधा कर सकते हैं। अब आधे का मतलब ये नहीं है कि जैसे 50,000 उनका जो किराया है आप 25 कर दें और बाकी के 25 के लिए भी आप उन्हें बार बार फ़ोन करें। आप बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, सुनिए एक दूसरे की बात। बात करेंगे तभी बात बनती है। आपको लगता है कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, क्योंकि ऐसे बहुत से जिम या फिर जितने भी जो बिज़नेस हैं उनके जो मालिक हैं वो अपनी फैमिली के साथ रेंट पे रहते हैं। अब आप सोचिए कि वो उस बिल्डिंग का भी रेंट दें जहाँ वो रहते हैं, वहाँ का भी वो रेंट दें, उसके अलावा बहुत सारी EMIs उनके ऊपर होगी, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, सब कुछ उनके ऊपर है। सो एज अ ह्यूमन बींग आप उनको अपनी जगह या फिर उनकी जगह आप अपने आप को देखिए और सोचिए कि क्या ये सब पॉसिबल है। और ये मत सोचिए कि यार इन्होंने 2 साल से 5 साल से, आप ये सोच, बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इतने सालों से जो कमाया है उसकी सेविंग इनके पास होगी, वो उसमें से आपको पे कर देंगे। देखिए, सबकी जो प्रॉब्लम होती है अलग अलग होती है। मान सकता हूँ कि कुछ लोग के पास होगी सेविंग तो वो पे कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिनके लिए सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है, और वो इस टाइम पे सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों को पता है, जब तक हमारे जो बिज़नेस थे वो चालू थे तो आपको टाइम पे आपका जो रेंट है, आपका लाइट का, पानी का बिल, सब कुछ हम पे कर देते थे। सो एक छोटी सी अपील है सभी जिम ओनर्स की तरफ से मेरी आपको, कि प्लीज़ थोड़ी रियायत आप दीजिए, थ्रेड कॉल देना बंद कर दीजिए। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सो बस इंसानियत के नाते, एज अ ह्यूमन बीइंग, और इंसानियत दिखाइए। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो जिम के मालिक हैं या फिर जो
बिज़नेस अपना चला रहे हैं, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने लैंडलॉर्ड या फिर आपका जो मकान मालिक है, आपका जो बिल्डिंगों का मालिक है उनके पास में, ताकि जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। और चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।